कबूतर का स्टैचर, कबूतर का पर, कबूतर का अख दे मोरा वगैरा वेखो जेड़ा तुहानू अच्छा लगे वो पर वेखो, अच्छा पर तुहाडे मतलब का पर ओनू तकसीम करना है बस अगले कबूतरी दे नाल उस कबूतर नू ठीक हो गया। हाँ वो वड्डा ना रे थोड़ी छोटी मादी लाओ ओदे अजज़ा दे तकसीम करो, तकसीम का मतलब है वड्डे ना छोटा लाना वो आपे तुहानू समझ लग जाएगी। नाले कबूतर जेड़ा ना कबूतर जी जी ब्रीडर होवे उड्डन आला होवे कबूतर वो फड़ के ही बंदे नू पता लगता है कबूतर जोड़ा लाते हो ना कबूतर पहले पांच चार दिन फड़ के वेखिया करो, जो तुम फड़ के वेखोगे ना फिर तुहानू कबूतर अपनी खासियतां दसनियां शुरू कर दिंदा, यानी कि अच्छाइयां भी दिखांदा बुराइयां भी दिखांदा, वो फड़िया ही कबूतर रोज फड़ फड़ के वेखण नाल बंदे नू आंदियां। सर जी जदों कबूतर पकड़दे आ बंदा ठीक है उंदे च की चीज देखनी चाहीदी ए भी जरा थोड़ी जी वजाहत कर दो ना भाई जान। पर वेखो जी पर ऐसा होवे पर ते पर चढ़िया होवे उंदा दराज होवे ए चपटे जेड़े ने ए चौड़े होन ते बरीक होन ते बंद जो दुंब बड़ी जबरदस्त है ये वो भाई बंद जो दुंब वाला ते जबान का सही नहीं सेंदा, थोड़ी दुम चौड़ी होनी चाहिए इस तरह दो पत्ता देखो कबूतर अगर चंगा कबूतर रखना चाहते हो ना चंगा कबूतर वेखना चाहते हो तो पहले पांच पास तो लैके बगल तक जाया करो सारा कुछ ए।